आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल रिक्रूटमेंट 2020। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 3 है। अगर पार्ट नंबर आपने 1 या 2 नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एनसीएल की न्यू बेस्ड तैयारी करवाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। पहला क्वेश्चन है, पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है? आपको बताना है जो पिस्टन की दिशा होती है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है। मैं आपको एक जनरल तरीके से बता रहा हूँ कि हमारे पास स्ट्रोक है, इसमें से स्पार्क प्लग रहता है, ये इनलेट वाल्व है या आउटलेट वाल्व है, और ये हमारा जो है पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर वाले भाग को कहते हैं TDC और नीचे वाले भाग को कहते हैं BDC। ये हमारे पास क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड से क्रैंकशाफ्ट लिंक है। तो आपको बताना जो पिस्टन की दिशा कंप्रेशन स्ट्रोक में, जब ये कंप्रेस करता है तो इसका कौन सा दिशा होता है? तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ए तथा बी। ऊपर की तरफ अगर कंप्रेस करेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ रहेगा, और जो बी नंबर है वो BDC से TDC की ओर तरफ जाएगा। अगर मतलब नीचे से हमारा जो है वो BDC और TDC की ऊपर जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो BCD करेक्ट है। दो नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस ईंधन का उपयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? आपको बताना है निम्न में से किस ईंधन का उपयोग स्पार्क प्लग में किया जाता है। जो स्पार्क प्लग होता है, जिसे हम SI इंजन भी बोलते हैं, उसमें कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो डी है, पेट्रोल एवं हवा का मिश्रण। जो कार्बोरेटर से हम एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो मिला के हम कहाँ भेजते हैं, इंजन में। तो पेट्रोल और हवा का मिश्रण वो कार्बोरेटर के थ्रू मिलके हमारा SI इंजन में आता है। तो जो SI इंजन है, स्पार्क इंजन है, उसमें पेट्रोल और हवा का मिश्रण उपयोग होता है। 3 नंबर क्वेश्चन, सिलेंडर में ऊपरी तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? आपको बताना है जो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? आपको मैं बताया था कि जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम TDC बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम BDC बोलते हैं। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, और इन दोनों को हम यहाँ पर बताना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TDC से BDC की ओर, TDC से BDC की ओर कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, वे इंजन जिनमें ईंधन का दहन कार्य कार्य सिलेंडर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? अगर किसी भी सिलेंडर के अंदर उसका दहन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो IC इंजन होगा। IC इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन, मतलब कि इंटरनल कंबसन जो अंदर में ही दहन होता है, इस कंप्रेस एयर के थ्रू उसका अंदर में ही दहन होता है, उसे हम बोलते हैं IC इंजन। 5 नंबर क्वेश्चन है, गैस के फैलाने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है? अगर हमारे पास गैस फैलाने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है, आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, TDC से BDC की ओर। अगर हमारे पास ये पिस्टन है, अगर हमारे पास ये पिस्टन है, अगर पिस्टन ऊपर की तरफ है और हमारा जो है स्पार्क हुआ, फैलाव हुआ, तो जो हमारा पिस्टन है वो TDC से BDC की ओर आएगा। आप देख सकते हैं TDC से BDC की ओर आएगा, तो उसी को बताना है कि आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, TDC से BDC की तरफ जाएगा पिस्टन के फैलाव में। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण में 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? आपको 2 स्ट्रोक में बताना है कि पोर्ट का जो प्रयोग किया जाता है, आपको एक डिफरेंस है, 4 स्ट्रोक में जो होता है उसे वाल्व कहते हैं, और जो 2 स्ट्रोक में लगे रहते हैं इनलेट आउटलेट उसे पोर्ट कहते हैं। ये भी डिफरेंस आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि पोर्ट जो है कौन सा स्ट्रोक में होता है, तो आपका 2 स्ट्रोक में होगा, और जो 4 स्ट्रोक होता है उसे वाल्व कहते हैं इनलेट आउटलेट को।
छह नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण में दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ज करने के लिए और ताजे ईंधन आने वाली गैसों को निकालने के लिए। जो टू स्ट्रोक पोर्ट का उपयोग होता है वो चार्ज करने के लिए, हमारे स्ट्रोक को चार्ज करने के लिए, और ऑप्शन नंबर जो सी है, ताज़ा ईंधन आने वाली गैसों के निकलने के लिए। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और डी, ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि NCERT न्यू बेस्ड तैयारी करवाई जा रही है, आपको डिटेल से हर एक टॉपिक बाय टॉपिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सात नंबर क्वेश्चन है, समय से पहले किस वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? अगर विदाउट टाइमिंग की वजह से अगर आपका वाल्व खुल रहा है तो उस वाल्व को आप क्या कहेंगे? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वाल्व लीड। वाल्व लीड, अगर आपको किसी समय से पहले वाल्व खुल जाता है तो उसे वाल्व लीड कहते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल जाता है? आपको बताना, जो डीजल ऑयल है वो जल जाता है किस तापमान पर? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 350 डिग्री के बीच में जो ऑयल है वो जल जाता है। पेट्रोल इंजन में किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है? जो पेट्रोल इंजन ईंधन होता है उसके किसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्पार्क प्लग के थ्रू। जो पेट्रोल इंजन होता है, आपको पता है वो जो पेट्रोल इंजन जो बाइक में लगता है उसमें आप देखेंगे स्पार्क प्लग रहता है, बाइक वाले में स्पार्क प्लग रहता है, उसी को हम पेट्रोल इंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दस नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है? आपको बताना है, डीजल इंजन में ईंधन का दहन किसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दहन के लिए संपीड़ित वायु की उच्च ताप से। मतलब जो कंप्रेशन डीजल इंजन में हमारा क्या होता है, एयर कंप्रेस करने के बाद तब हम क्या इंजेक्टर से ऑयल बर्न कराते हैं, तो जो हमारा कंप्रेस एयर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से रहता है उसको क्या करेंगे, उच्च ताप मेंटेन करेंगे हम कंप्रेस करके या संपीड़न करके वायु को। ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबसन चैम्बर का तापमान निम्न में से कितना होता है? अगर डीजल इंजन है आपके पास तो कंप्रेशन के बाद उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है चैम्बर का, आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 600 से 800 सेंटीग्रेड। 600 से 800 सेंटीग्रेड जब आपका डीजल इंजन में कंप्रेशन हो जाता है तो उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है वो उसका जो टेम्परेचर होता है 600 से लेके 800 सेंटीग्रेड तक होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? आपको बताना है, जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर कौन सा होता है दिए गए ऑप्शन में? आप अगर ऑप्शन आपको आता भी है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दे सकते हैं। उत्तर है ईंधन जलने में, आपका जो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन का अंतर होता है वो ईंधन जलने में होता है। जो ईंधन जलने का प्रक्रिया होती है उनमें इन दोनों का डिफरेंस होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, दो स्ट्रोक इंजन में किस क्रिया चक्र पूरी होती है? आपको बताना जो है, आप मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, इसीलिए मैं आपको फिर रिपीटेड क्वेश्चन लिया है ताकि आपको याद रहे, टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरी होने पर क्या कहलाती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन के दो स्ट्रोक अथवा क्रैंक के एक परिक्रमा। क्रैंक के एक परिक्रमा, जो आपका क्रैंक का परिक्रमा घूमता है वो 360 डिग्री पर पूरा पूरा घूमता है। अगर टू स्ट्रोक में पूछे तो आपका 180 डिग्री में एक किक में एक इस पिस्टन में 90 बार घूमता है, तो आपका जो टू स्ट्रोक है वो 180 डिग्री घूमेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनलेट वाल्व इनमें से कहाँ पर हो लग खुला
खुलता है। अगर आपको बताना जो इनलेट वाल्व है आपको कहाँ पर खुलता है, आपको पता है इनलेट वाल्व कहाँ पर रहता है और कैसे खुलता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, TDC। TDC के ऊपर आपका रहता है इनलेट वाल्व, जब खुलता है TDC के ऊपर। 15 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कितना होता है? आपको बताना जो सिलेंडर का व्यास, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कितना होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कम होता है। 16 नंबर है, 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरी होने पर क्या कहते हैं? अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो एक चक्र क्रिया पूरी होने पर क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पिस्टन के 4 स्ट्रोक तथा क्रैंक के 2 स्ट्रोक परिक्रमा को पूरा करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कितना होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो कम होगा। अब 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरी होने पर क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पिस्टन के 4 स्ट्रोक अथवा किक के 2 स्ट्रोक। 19 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः रखा जाता है? जो पेट्रोल इंजन है उसका कंप्रेशन रेशियो जो है वो कितना रखा जाता है आपको बताना है। उत्तर है 5 से 10, 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में पेट्रोल इंजन का रखा जाता है। अगर डीजल इंजन का पूछे आपसे तो 12 से लेकर 21 के बीच में, 12 से लेकर 22 के बीच में रखा जाता है। पेट्रोल इंजन का संपीड़न आपसे पूछा है तो पेट्रोल इंजन जो है उसका संपीड़न आपको 5 से लेकर 10 तक होगा, ये पेट्रोल इंजन का। अगर डीजल इंजन का आपको पूछता है तो 12 से लेकर 21 के बीच में कंप्रेशन रेशियो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। पिस्टन के TDC पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान को क्या कहते हैं? अगर आपका जो ये पिस्टन है, पिस्टन अगर आपका जो सिलेंडर, ये है आपका कनेक्टिंग रॉड, ये है पिस्टन जिसमें ऊपर 2 रिंग लगी है रहती है, और रिंग के ऊपर अगर इसके ऊपर आपका सिलेंडर नहीं जा पाता, इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि ऊपर में दोनों वाल्व लगे होते हैं और हमारा स्पार्क प्लग लगा रहता है, तो इससे जाएगा तो तोड़ सकता है। इसका एक लिमिट बना है कि इससे ज़्यादा आपका स्ट्रोक पिस्टन जो है नहीं जाएगा, तो उसके बीच को, इन बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? इसके बीच की दूरी को, उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियरेंस वैल्यू। इसको क्या कहेंगे? क्लियरेंस वैल्यू। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर का अंतरून व्यास क्या कहलाता है? अंतरूनी व्यास क्या कहलाता है सिलेंडर का? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोर। 22 नंबर क्वेश्चन, डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यता रखी जाती है? जो डीजल इंजन रहता है उसका अनुपात कितना रखी जाती है? आपको पिछली बार मैं बता चुका हूँ, अगर आपको आंसर पर नहीं पता है तो 12 से 22 के बीच में, 12 से 22 के बीच में जो है डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है, पेट्रोल इंजन का 5 से लेकर 10 के बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 23 नंबर जो है, TDC से BDC के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जो TDC है वो BDC के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोक। क्या कहलाती है? स्ट्रोक। 24 नंबर है, निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है? आपको बताना जो कार्बोरेटर है उसका कार्य कौन सा नहीं है? पेट्रोल का वाष्पीकरण ये भी होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल रिवर्स बनाए रखना, भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण की परिवर्तन मात्रा में अपरिवर्तित करना, और जो वायु को साफ अथवा फिल्टर करना, ये कार्बोरेटर का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, वायु और साफ का फिल्टर का काम करना है, फिल्टर का काम है। 25 नंबर क्वेश्चन है, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? अगर समय के बाद इंजन का वाल्व खुलना आपको क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, लेग। समय के बाद अगर समय बीत जाता है उसके बाद वाल्व खुलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? लेग।
26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? आपको बताना है कि डीजल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर होता है वो कितना होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए 350 से लेके 550 तक डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाए जाते हैं? किस मेटल के जो सिलेंडर हेड होते हैं उसको बनाया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है बी और सी। जो बी और सी है कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय। जो सिलेंडर हेड का किस मेटल का बनाया जाता है तो आपको बताना है कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय का। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन कैसा होता है? आपको बताना है पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी परेशानी से प्रज्वलित होता है। कहने का मतलब जो है वो पेट्रोल इंजन वह आसानी से जल जाता है, जो डीजल इंजन होता है उसको जलने में परेशानी होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस की सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? आपको बताना है कि किसकी सहायता से डीजल इंजन जलता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कंप्रेशन द्वारा। जो डीजल इंजन होता है कंप्रेस करने के बाद ही वो एयर को कंप्रेस करता है, फिर हम इंजेक्टर के थ्रू अपने डीजल को स्प्रे कराते हैं, इसके बाद वहाँ पर पावर जनरेट होती है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कंप्रेशन द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है? आपको बताना है जो पेट्रोल इंजन है उससे किससे संबंधित नहीं है। तो पिस्टन तथा पिस्टन रिंग ये भी पेट्रोल से संबंधित है, कार्बोरेटर भी पेट्रोल से, स्पार्क प्लग ये भी पेट्रोल से संबंधित है, और ईंधन इंजेक्टर ये डीजल इंजन में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट है, ये पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और भी वीडियो देखने के लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।